जीवन संसार को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बने बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने। दोस्तों, काफ़ी लोग हैं जो कि अपनी स्किन से रिलेटेड बीमारियों से परेशान रहते हैं या फिर स्किन से रिलेटेड इश्यूज से परेशान रहते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा किसी तरीके की एक्ने की प्रॉब्लम हो, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो, या फिर बहुत ज़्यादा स्किन उनकी सन टैनिंग की वजह से थोड़ी डल दिखती है, स्किन पे किसी तरीके का ग्लो नहीं होता। और उसी में से एक प्रॉब्लम एज के साथ जो काफ़ी देखी जाती है वो है दोस्तों रिंकल की प्रॉब्लम या फिर झुर्रियाँ की प्रॉब्लम। वो पहले तो ये एज के बाद देखी जाती थी 30-40 की एज के बाद, लेकिन आजकल आपने देखा होगा काफ़ी बार 20-22 साल 25 साल में ये प्रॉब्लम देखी जाती है रिंकल्स की प्रॉब्लम। और अगर ये प्रॉब्लम आती तो व्यक्ति को काफ़ी, अगर एज के पहले आती तो काफ़ी कॉन्फिडेंस में कमी लगती है या फिर काफ़ी बार उसको अपना चेहरा भी आईना में देखना पसंद नहीं आता, क्योंकि वो अपने आप को बूढ़ा होते हुए देखना नहीं चाहता। तो अगर आपकी भी इस तरीके की प्रॉब्लम है और आप अगर अपने रिंकल से परेशान हैं, झुर्रियों से परेशान हैं, तो हमारी जो आज वीडियो है और आज जो इसका नुस्खा, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये आपके लिए। जो रिंकल्स की प्रॉब्लम है उसके लिए एक बहुत इफेक्टिव नुस्खा है, और आप इसको देखेंगे तो पूरी तरीके से जो है हर्बल है, आयुर्वेदिक नुस्खा, और अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल 100% नहीं 110% ये आपको रिज़ल्ट देगा। तो दोस्तों प्लीज़ इस नुस्खे को देखिए और इसको फॉलो कीजिए। प्लीज़ आप वीडियो को एकदम से, काफ़ी बार लोग जल्दी स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ाते हैं और नुस्खे को समझते नहीं हैं, फिर उसकी वजह से सही तरीके से लाभ नहीं ले पाते। तो आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए और जो नुस्खा उसको फॉलो कीजिए, ताकि आप अपने चेहरे को यंग जवान बनाए रख सकें, खूबसूरत बनाए सकें रख सकें। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस तरीके से इसका बनाना आपको। सबसे पहले दोस्तों जो आपको चाहिए वो चाहिए सबसे सस्ती चीज़ जो आपको मिलती है आपकी खूबसूरती के लिए, वो है मुल्तानी मिट्टी, जो 1 या 2 रुपए में आपको अच्छी मात्रा में मिल जाती है। मुल्तानी मिट्टी इस तरीके की स्किन की रिलेटेड बीमारी या फिर किसी भी इश्यूज़ में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो आपको सबसे पहले 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेना है, इस तरीके से आप 1 चम्मच इसमें मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए। इसके साथ में आपको दूसरी चीज़ जो दोस्तों चाहिए वो लेना आपको दही लेना है। देखिए दही लेना आपको, 1 से 2 चम्मच आप दही लीजिए। दही हमारी स्किन के लिए, हमारी पूरी बॉडी के लिए, बाल के लिए, हर चीज़ के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है। इसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट, काफ़ी तरीके के मिनरल्स, विटामिन सब कुछ रहते हैं। आप इन दोनों चीज़ों को डाल के अच्छे से पहले इस तरीके से मिला लीजिए दोस्तों। इस तरीके से आप इसमें अच्छे से थोड़ा और मिला लीजिए, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ी सी और देर तक इसको अच्छे से मिलाइए, ताकि इसमें बिल्कुल भी किसी तरीके के लम्स ना रहें। और उसके बाद में आप जब इसको अच्छे से मिला लें, तो इसमें एक जो लास्ट चीज़ आपको डालनी, जो आपकी स्किन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी और आपकी स्किन को यंग नरिश रखने में हेल्प करती है, आपके अगर रिंकल्स हैं तो उसको ख़त्म करने में हेल्प करती है, आपके कोलेजन को मेंटेन रखने में हेल्प करती है, जो कि काफ़ी, अगर उसकी कमी जो आपके रिंकल्स का कारण बनती है, तो उसमें से एक चीज़ है दोस्तों जैतून का तेल, या फिर जिसे ऑलिव ऑयल भी कहा जाता है। तो आपको जैतून का तेल लेना है इसमें, और तकरीबन 1/2 से 1 चम्मच आप इसमें जैतून का तेल इस तरीके से मिला दीजिए, और आप इन तीनों चीज़ों को इस तरीके से अच्छे से मिला लीजिए। वो दोस्तों जब ये अच्छे से पूरी तरीके से मिल जाए, तो आप ये जो पेस्ट बनता है या फिर जो ये एक तरीके से फेस पैक बनता है, आप इसको अपने फेस पे या फिर जिस भी झुर्री का एरिया, चाहे वो काफ़ी देखा जाता है लोगों के माथे पे झुर्रियाँ रहती हैं, तो आप इसको अप्लाई कीजिए और अप्लाई करके इसको सूखने दीजिए। और जब ये सूख जाए तो आप इसको अच्छे ठंडे पानी से धो लीजिए, और आप इस प्रोसेस को एटलीस्ट सप्ताह में 2 से 3 बार दोहराएं, और आप इसको कुछ बार करेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्किन टाइट होने लगेगी, आपके रिंकल्स की प्रॉब्लम दूर होनेगी, और आपके जो चेहरा है वो थोड़ा यंग सा, जवान सा दिखना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों आप प्लीज़ बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। इस तरीके की दूसरी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपके प्रश्न सुझाव हो तो हमसे पूछिए। धन्यवाद।